इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल टू द वेन के एपिसोड 85 को, जो कि एक नोबल बेस्ड होगा, इसलिए आंख बंद और कान खोलकर सुनिए। तो जैसा कि अपने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि जियान को चाहिए था एडवेंचर, इस वजह से जियान चला जाता है मैग्मा बल्ट के अंदर, जहाँ पर उसका सामना हो जाता है वहाँ की मैजिकल छिपकलियों से, जो की जियान के पीछे हाथ धो के पड़ जाती है। तो जियान अपनी जान को बचाते हुए एक पोर्टल के अंदर घुस जाता है, जहाँ से वो एक अलग जगह पर पहुंच जाता है, जहाँ पर बीच में बैठा वो होता है एक स्केलेटन और उसके हाथ में होती है, जिसे देखकर जियान के एकदम से तोते उड़ जाती है। मगर तभी जियान नोटिस करता है उस हेवनली फ्लेम का जो टेम्परेचर है वो अभी के लिए काफी ज्यादा कम है। तभी जियान बोलता है, लगता है ये फॉलन आर्ट फिल्म अभी के लिए बेबी स्टेज पर है, मगर ये है तो एक हेवनली फ्लेम ही, इस वजह से चाहे ये बेबी स्टेज पर हो चाहे अडल्ट स्टेज पर हो, ये सच में काफी ज्यादा रियर है, क्योंकि एक हेवनली फ्लेम को बनने में कम से कम 10,000 साल लग जाती है, तब जाकर एक हेवनली फ्लेम बनती है। मगर ये बात मेरे को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही कि एक ही जगह पे दो हेवनली फ्लेम, सच में ये काफी ज्यादा शॉकिंग चीज है, क्योंकि मैंने आज से पहले ना इस तरीके की चीज को देखा ना ही कभी सुना। मगर दुख की बात तो ये, अगर मैं इस हेवनली फ्लेम को ले भी लेता हूँ तो भी ये हेवनली फ्लेम मेरे लिए किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी फॉलन आर्ट फ्लेम है, इस वजह से दो हेवनली फ्लेम अपनी बॉडी के अंदर रखना कोई फायदे का सौदा नहीं है। मगर तभी जियान की दिमाग की बत्ती जलती और उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती और बोलता है, अगर इस बेबी फॉलन आर्ट फ्लेम को मैं फर्स्ट एल्डर को दे देता हूँ तो जीनन अकेडमी के कुछ फायर कल्टीवेटर इसके अंदर अपनी देवी को डाल देते हैं, तो ये इतनी पावरफुल हो जाएगी कि इनर अकेडमी का जो ट्रेनिंग टावर वो फिर से चालू हो सकेगा, जिसकी मदद से जो इनर अकेडमी के स्टूडेंट वहाँ पर आकर कल्टीवेशन कर सकते हैं और अपनी पावर को बढ़ा सकते हैं, और साथ ही फर्स्ट एल्डर और बाकी के जो फायर कल्टीवेटर इसे अपनी एनर्जी और दुईकी देंगे और इसे अच्छे से ट्रीट करेंगे, तो ये जीनन अकेडमी की एकदम वफादार साथी बन जाएगी। अगर फ्यूचर में जीनन अकेडमी के ऊपर कोई भी हमला करेगा तो ये जीनन अकेडमी को प्रोटेक्ट भी करेगी, क्योंकि जीनन अकेडमी इसके लिए एक घर की तरह होगा, क्योंकि धीरे धीरे जब ये मैच्योर होती जाएगी तब इसके इमोशन और इंटेलिजेंट भी बिल्ड होती रहेगी, और इसी वजह से फ्यूचर में इनर अकेडमी के पास एक और प्रोटेक्टर होगा। और साथ ही ट्रेन टावर को लेकर जो मेरी टेंशन है वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैं रिप्लेस कर दूंगा अपनी फॉलन आर्ट फ्लेम से इस छुटकी फॉलन आर्ट फ्लेम से। और ये सब बोलते कन और चेहरे पे एक स्माइल के साथ जियान आगे बढ़ता जा रहा था उस फॉलन आर्ट फ्लेम को लेने के लिए। मगर जैसे जियान अपना हाथ पड़ाता है उस फॉलन आर्ट फ्लेम को लेने के लिए, तभी वहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी कलेक्ट होने लगती है और उसके प्रेशर से जियान वहाँ से काफी दूर पीछे खिसका वो चला जाता है। तभी अचानक से वो एनर्जी एक ह्यूमन फिगर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जो कि देखने में काफी ज्यादा गोलू मोलू सा और काफी ज्यादा बूढ़ा लग रहा होता है। तभी वो अपनी दो उंगलियों से इशारा करता है और जियान को अपने पास खींच लेता है, और फिर जियान की चेस्ट को देखते हुए बोलता है कि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इस फॉलन आर्ट फ्लेम को कोई और भी रिफाइन भी कर लेगा। वहीं पे जियान भी उस गोलू मोलू को देख के काफी शॉक हो गया था, क्योंकि उसने बस देखने से जियान की बॉडी के अंदर पता कर लिया था कि उसके पास फॉलन आर्ट फ्लेम है। इस वजह से जियान समझ गया था भले ये सोल काफी डैमेज है मगर ये काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए जियान मासूम बनते हुए बोलता है कि मास्टर मुझे माफ कर देना, मैं तो गलती से यहाँ पर आ गया, अगर आपको कोई भी समस्या है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। मगर वो गोलू मोलू जियान की बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और अपने हाथ का एक इशारा करता है और जियान की बॉडी में से निकल आती है उसकी फॉलन आर्ट फ्लेम और जाती कल उस गोलू मोलू के साथ खेलने लगती, जहाँ पर उसकी पूरी बॉडी में घूम रही होती है, जैसे कि तुम्हारी सेटिंग तब खेलती जब तुम उसे शॉपिंग करा देते हो। वहीं पे ये सब देख के तो जियान के एकदम से होश उड़ जाते और वो तो जोका हो रहा है और फिर गुस्से से उस गोलू मोलू से चिल्लाते हुए बोलता है, मास्टर ये किस तरीके की बदतमीजी है, आखिर आप करना क्या चाहते हो। और साथ ही उसका दिमाग का दही भी हो चुका था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी फॉलन आर्ट फ्लेम जो कि उसने रिफाइन करी है और उसकी बॉडी के अंदर रहती है, उसे छोड़ के भग गई, जैसे कि मेरी और आपकी एक्स छोड़ के भग गई थी और जाकर आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ चुम्बा चाटी करने में लगी हो, उस तरीके की फीलिंग जियान को आ रही थी उसे देखकर। वहीं पे वो गोलू मोलू सोल जियान के मुंह लटका हुआ देखता है तो समझ जाता है कि जियान के दिमाग में क्या चल रहा है और वो जियान से बोलता है, क्यों क्या हुआ, धोखा हो गया क्या, पर मैं तुमको बताना चाहता हूँ मैं इसका पहला प्यार हूँ, मतलब तुमसे पहले मैं इसका ऑनर हुआ करता था, इसलिए इतनी आसानी से ये मेरे पास आ गई एक बार पे बुलाने पे, क्योंकि पहला प्यार तो पहला प्यार होता जनाब, और ऊपर से तुमको ये लगता है तुम कल के आए हुए लड़के मुझसे ज्यादा अच्छे से फ्लेम कंट्रोल कर पाओगे। वहीं पे ये सब सुनती है जियान के एकदम से तोते उड़ जाती है और बोलता है कि भले आप प्रीवियस ऑनर होगे इसके, मगर जब मैं इससे मिला था तब ये खुला साठ थी, इस वजह से मैंने इसे रिफाइन कर लिया, इसलिए प्लीज आप मुझे परेशान ना करें। ये सुनती वो गोलू मोलू हंसते हुए बोलता है, लड़के मुझे पता है ये सब इसलिए क्योंकि जब तुमने इसे रिफाइन किया होगा तब तुम्हें मेरा ऑरा सेंस नहीं हुआ होगा, क्योंकि बहुत साल पहले मैंने खुद ही अपनी बॉडी से इसे निकाल दिया था और इससे बोला था जा जी ले अपनी जिंदगी सिमरन, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत ही जल्दी मरने वाला था। और ये सब सुनते कि जियान की और भी तोते उड़ जाते और बोलता कि ओ तेरी, मैंने तो कभी नहीं सोचा था इस जगह पे मुझे फॉलन आर्ट फ्लेम का पुराना ओनर मिल जाएगा। और पे इसकी बॉडी की हालत को देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि फर्स्ट एल्डर को इसके बारे में कुछ भी आइडिया भी होगा, क्योंकि ये यहाँ पे काफी लंबे टाइम से है। मगर साथ ही जियान को इस बात की भी टेंशन होने लगती है कहीं फॉलन आर्ट फ्लेम ये बुड्ढा उसे छीन ना ले, क्योंकि फॉलन आर्ट फ्लेम तो ऐसे छोड़ के चली गई है जैसे कि उसे जानती ना हो। मगर तभी जियान उसकी सोल पावर को महसूस करता है, जिस वजह से जियान पहचान जाता है कि ये तो बहुत ही वीक है, भले ही जब ये जिंदा होगा तो बहुत बड़ा तुरम खा होगा, मगर अभी के लिए जो इसकी सोल है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, इस वजह से इसने कुछ भी पंगा दंगा किया तो इसको हाल ही पील दूंगा मैं। वहीं पे वो गोलू मोलू जियान की भावनाओं को समझ जाता है और जियान से बोलता है, बच्चे तुम्हें मुझसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं बहुत साल पहले ऑलरेडी मर चुका हूँ, अभी के लिए जो तुम देख रहे हो वो मेरी सोल बॉडी का बस छोटा सा अंश है जिसे तुम बहुत ही आसानी से मार सकते हो, इसलिए तुम्हें मुझसे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है और मुझे तुम्हारी फॉलन आर्ट फ्लेम भी नहीं चाहिए। ये सुनकर जो जियान के दिल में जो अजीब अजीब सी भावनाएं आ रही होती वो शांत हो जाती है और प्यार से बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं, बस क्या आप अपना नाम बता
बता सकते मुझे? तो ये संधिकन गोलू मोलू बोलता है, वैसे तो मेरा नाम ट्यान हुआ है, मगर लोग मुझे प्यार से बुलाते हैं ट्यान हुआ जुनजे। ये संधिकन चेन एकदम से शॉक हो जाता और बोलता है, क्या जोनसी थी आप मरने से पहले? भैंस की आंख में किससे मिल गया? एक लाइट डाउन जोन से, जो कि अभी के लिए जिंदा होता तो ये पूरे कॉन्टिनेंट को तबाह करने की ताकत रखता है। इस वजह से जेन ऊपर से नीचे तक डर जाता है कि उसके सामने एक लाइट डाउन जोन खड़ा है। मगर तभी ट्यान हुआ जुनजे जियान से बोलते, अरे बच्चे तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, आई एम गोलू मोलू और वैसे भी मैं कई साल पहले ऑलरेडी मर चुका हूँ, बस ये मेरी सोल का थोड़ा सा अंश है जिसे तुम बहुत ही आसानी से मार सकते हो, इसलिए चिल पिल। ये संधिकंचन एक गहरी सांस लेता बोलता है, थैंक गॉड। तभी ट्यान हुआ जुनजे भी जियान के पास वो फॉलन आर्ट फिल्म को भेज देते हैं, तो फॉलन आर्ट फिल्म भी चुपचाप से जियान की बॉडी के अंदर चली जाती है। तो जियान फॉलन आर्ट फिल्म को पहले चेक करता और देखता कि सब कुछ ठीक है और फिर उसे अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर लेता है और फिर प्यार से ट्यान हुआ जुनजे से बोलता है, प्लीज आप मुझे माफ कर देना, मैं गलती से यहाँ पे आ गया, मेरा आपको डिस्टर्ब करने का कोई भी इंटेंशन नहीं था, इस वजह से मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे। तभी ट्यान जुनजे बोलते, ओए थम जाता हूँ, क्या तुम उस छोटी फॉलन आर्ट फिल्म को लेने में इंटरेस्टेड हो? तो इस उनकी जियान बोलते कि मुझे पता है, जब आप जिंदा होगे तब ये दोनों फिल्म आपकी ही होगी, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, गर्लफ्रेंड और वाइफ जितनी हो उतनी कम है मेरे लिए, मगर बाकी की सभी चीजें मैं सिर्फ एक एक ही रखना पसंद करता हूँ, चाहे फिर वो सेम है वाली फिल्म दो दो क्यों ना हो। मगर तभी ट्यान हुआ जुनजे जियान को चुप कराते हुए बोलते, ओए लड़की किसी और को उल्लू बनाना, मुझे पता है कि मन मन वावे मोड़ी इलाव है, क्योंकि बेटा जब तुम्हारे दादा और दादा के परदादा भी पैदा नहीं हुए तब मैं यहाँ पर आतंक मचाता फिरता था, इस वजह से फालतू की ना डायलॉग बाजी कहीं और। ये संधिकन जियान का एकदम से पोपट हो जाता है और अपने मन में बोलता है, ये बुड्ढा तो मुझसे बड़ा क्लांटी निकला, ये तो मेरी हर भावनाओं को एक बार में पहचान जाता है। मगर तभी ट्यान हुआ जुनजे अपने बारे में बताना स्टार्ट करते हैं और बताते कि जब मैं जिंदा था तब मैंने इस फॉलन आर्ट फिल्म को बड़ी मुश्किल से रिफाइन किया था, मगर जब मैंने इसे रिफाइन कर दिया था उसके बाद मैं काफी ज्यादा पावरफुल हो गया, उसके बाद मैंने इस कॉन्टिनेंट के अंदर रखा आतंक, हर जगह जाता और हर किसी को फेलता, क्योंकि मुझे दूसरों के काम में टांग अड़ाना बहुत ही ज्यादा पसंद था और मेरे पास थी काफी सारी टेक्निक, इस वजह से मेरे सामने कोई भी नहीं टिक पाता था और इसी चुल की वजह से मैं घुस गया इस मैग्मा वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए, और यही थी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल, जहाँ पर कुछ दिन एक्सप्लोर करने के बाद मुझे मिलता है इस फॉलन आर्ट फिल्म का सीड, जिसे देखकर मेरे मन में लड्डू फूटने लगते हैं, क्योंकि मेरा मानना था एक से पहले दो और मैं इस फॉलन आर्ट फिल्म के सीड को भी रिफाइन करने लगा, इस वजह से मैं दोनों एवली फिल्म को सही से रिफाइन नहीं कर पाया और इनके बीच में हो गया आतंक और इन दोनों की फिर इतनी ज्यादा खतरनाक होती कि मेरी बॉडी काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है। मगर तभी मेरे ऊपर कोई हमला कर देता है, ये संधिकन जन एकदम झट से बोलते हैं, कहीं वो फायर चिपक लिया तो नहीं थी? ये संधिकन ट्यान जुनजे बोलते, अच्छा तो फिर तुम ही उनसे मिल चुके हो? तो जन बोलते, हाँ मैं उनसे मिल चुका और उन्हीं ने तो मुझे पीट पीट के यहाँ पे भगा दिया और यहाँ पर आकर अपनी जान को बचाया, और जैसे भी उन फायर चिपकली को देख के मुझे लगता कि ये यहीं के रहने वाले और इनके पास काफी सारे वॉरियर भी हैं, और साथ ही मुझे ऐसा लगता है कि जिससे मेरा सामना हुआ था वो तो बस छोटी मोटी सी टोली थी, जो कि तुम्हारा जिनसे सामना हुआ तो सिर्फ मामूली से वॉरियर थे, क्योंकि जब मैं पूरी तरीके से इंजर्ड था तब मेरा एक ऐसे वॉरियर से सामना हुआ था इनके, जो कि एक डॉग जोंग पर था, और उसके बाद तुम ये सोच भी नहीं सकते हो उसने मेरी किस तरीके की सुताई दी थी, वो तो मेरे पास टेक्निकों का भंडार था, इस वजह से मैंने एक लाइट सर्कल बनाया और उसमें जाकर छुप गया, और ये चुपकली बस अपनी ताकत का यूज करना जानती, इनको इस तरीके की फॉर्मेशन के बारे में ज्यादा नहीं पता है, इस वजह से ये आज भी मेरे बारे में पता नहीं कर पाई कि मैं यहीं पर छुपा हुआ एक लाइट सर्कल के अंदर। मगर जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि उन दोनों एवली फिल्म की लड़ाई की वजह से मेरी हालत ऑलरेडी काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, उसके बाद वो फायर चिपकली जिसने मुझे बुरी तरीके से धोया, जिस वजह से मेरी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती और मैं ऑलमोस्ट मरने की कतार में पहुंच जाता हूँ, इस वजह से जो फॉलन आर्ट फिल्म थी मैंने उसे रिलीज कर दिया जिसे तुमने रिफाइन कर लिया, और जो फॉलन आर्ट फिल्म का सीड था उसे मैंने अपनी सोल से कनेक्ट कर दिया जिससे मैं उससे सोल एनर्जी लेता रहा और मैं 200 साल तक जिंदा रहा, मगर अभी के लिए जो मेरी सोल पावर वो काफी ज्यादा कम हो चुकी है, इस वजह से अब मैं सिर्फ 2 साल तक और जिंदा रह सकता हूँ, उसके बाद ये मेरी सोल पावर पूरी तरीके से खत्म और मैं यहाँ से बाय बाय टाटा फिनिश, मगर मेरी किस्मत में कुछ और लिखा था और फिर तुमने दर्शन दिए। वहीं पे जियान समझ जाते आखिर में मसला क्या है, मगर जब जियान उनकी सोल पावर देखते तो अपने मन में बोलता है, अभी के लिए इनकी जो सोल पावर वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है और ऊपर से ये इलाइट डाउन जोन की सोल है, इस वजह से इसे रिस्टोर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और ये मैटर मेरी मास्टर योलो से पूरी तरीके से डिफरेंट है, क्योंकि मास्टर योलो की जो सोल थी वो पूरी तरीके से रिकवर थी मगर इनकी सोल की तो बैंड बच चुकी है। तभी ट्यान हुआ जुनजे जियान से बोलते हैं, लड़की क्या तुम्हें ये फॉलन आर्ट फिल्म चाहिए? तो जियान झट से हमें सर हिला देता, मगर जियान को पता था कि दाल में जरूर कुछ काला है, इस वजह से वो उनसे बोलता है, मुझे पता है कि डेफिनेटली आपको मुझसे कुछ काम होगा जिसके बदले में आप ये मुझे फॉलन आर्ट फिल्म देना चाहते हो, इसलिए बस आप आदेश करिए, मैं एडी से लेके सर तक का जोन लगा दूंगा, बस आप आदेश करिए आखिर आपको चाहिए क्या है। मगर इसके साथ साथ जियान को थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था, क्योंकि जियान को पता था ये बुड्ढा कोई मामूली बुड्ढा नहीं है, ये एक लाइट डाउन जोन था, इस वजह से जब ये पूरी तरीके से ठीक हो जाए तब ये कहीं मेरे से मेरी फॉलन आर्ट फिल्म को ना छीन ले। तो ट्यान हुआ जुनजे भी जियान की ये बात भी नोटिस कर लेते और जियान से बोलते कि बच्चे तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छे लड़की हो, अगर चाहो तो ये फॉलन आर्ट फिल्म तुम खुद अपने पास रख सकती हो अभी मुझे मार कर, क्योंकि अभी के लिए मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता हूँ, अगर फिर भी तुम उससे परमिशन लेकर ले रही हो, इस वजह से अगर तुम मेरी मदद करती हो तो मैं तुम्हें ऐसे ऐसे रिवॉर्ड दूंगा कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये संधिकन जियान के मन में लड्डू फूटने लगते और बोलते कि आप बस आदेश करिए, आपको आखिर क्या चाहिए मुझसे? ये संधिकन ट्यान हुआ जुनजे बोलते कि जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ तुम्हारी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा फायर एनर्जी है और वो भी काफी ज्यादा स्टेबल है, इस वजह से मुझे लगता है कि तुम एक एल्केमिस्ट हो, मगर तुमने फॉलन आर्ट फिल्म को भी रिफाइन कर लिया, इस वजह से तुम बहुत
बड़े एल्किमिस्ट हो। ये संदिग्ध जन बोलते कि ये बुड्ढा मरने की ऑलमोस्ट कदार पे खड़ा हुआ है, मगर फिर भी इसकी आई साइट इतनी ज्यादा शार्प है कि इसने मेरी पूरी बॉडी का पूरा सिटी स्कैन कर दिया। सच में एक डाउजोंग तो डाउजोंग ही होता है। और गोलू मोलू से बोलते कि हाँ मैं एक एल्किमिस्ट हूँ। तो ये संदिग्ध टैन हुआ जो बोलते कि तो इसका मतलब तुम्हें ये भी पता होगा कि किसी की सोल को किस तरीके से रिकवर करती है। तो ये उनकी जान भी हमें से रिला देता और बोलते कि एक डाउजोंग अपनी सोल के छोटे से पार्ट को भी पूरी तरीके से रिकवर कर सकता है अगर उसके पास कोई अच्छा एल्किमिस्ट हो और वापस जिंदा हो सकता है, और ये बुड्ढा भी ऐसा कर पाएगा। मगर अभी दुख की बात तो ये है कि इसकी जो सोल है वो बहुत ही ज्यादा डैमेज है, इसलिए मेरे लिए इसको रिकवर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ऊपर से इस बात की भी मुसीबत है कहीं ये पूरी तरीके से रिकवर होने के बाद मुझे ही ना पिल दे और मेरी पॉलीनाट ट्रिम को भी ले ले। कई बार ट्यान हुआ जो भाप जाते और जियान से बोलते कि बच्चे तुम इस बात की बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जब मैं पूरी तरीके से रिकवर हो जाऊंगा तब मैं तुम्हें और तुम्हारी पॉलीनाट ट्रिम को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तुम बेफिक्र रहो। और ये बोलती कल अपने स्केलेटन में से अपने रिंग को अपने पास बुलाते जो कि एकदम व्हाइट कलर की थी, और उसमें से एक स्क्रॉल बाहर निकालते जो कि पूरी तरीके से व्हाइट कलर का था जिसके ऊपर काफी सारे मैजिकल बीस्ट बने हुए थे। तभी वो जियान को दिखाती हुई बोलती है और बोलते कि जब मैं जिंदा था तब मैं इस टेक्निक का यूज किया करता था और इस टेक्निक में मैं मास्टर था, और इसी टेक्निक की वजह से मैं पूरे दो ही कॉन्टिनेंट के अंदर जाना जाता था, और इस टेक्निक का नाम है पाइप रिंग फ्लेम टेक्निक, या फिर इसे फ्लेम कंट्रोलिंग मेथड भी कह सकते हो, क्योंकि अगर तुम इस टेक्निक की प्रैक्टिस करते तो तुम बहुत ही अच्छे से अपनी एवरली फ्लेम को कंट्रोल कर पाओगे, इस वजह से तुम्हारे लिए काफी ज्यादा काम आएगी, और जब तुम मेरी सोल को पूरी तरीके से रिकवर कर दोगे तब ये टेक्निक तुम्हारी हो जाएगी। मगर जियान अभी भी मंठाने लेने में लगा हुआ होता है, तो ट्यान हुआ जोंजे वो टेक्निक को जियान के पास भेज देते और बोलते कि बेटे तुम अभी इसे रख सकते हो और तुम इसे प्रैक्टिस भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि अब से ये तुम्हारी हुई। ये सुनके जियान भी उसे झट से ले लेते और उसे खोलता है जहाँ पर टेक्निक का सबसे ऊपर नाम लिखा हुआ था और उसके आगे लिखा था ये टेक्निक फायर कंट्रोल के काम आती है, और इसे पांच स्टेजों के अंदर डिवाइड किया गया है जिनके सामने बुल बना हुआ था, टाइगर बना हुआ था, लॉयन बना हुआ था, स्नेक बना हुआ था और ड्रैगन। और जब इस टेक्निक को पूरी तरीके से सीख जाओगे तब तुम ये पांचों मैजिकल बीस्ट को बना पाओगे एक साथ ही, और तब इसकी पावर इतनी ज्यादा होगी कि पूरे आसमान में भी आग लग जाएगी। मगर तभी जियान की नजर पड़ती उस टेक्निक के छोटे से कॉर्नर पे जहाँ पे लिखा हुआ था अगर कोई अपनी चार एबिलिटी फ्लेम से इन चार मैजिकल बीस्टों को बनाता है तब ये टेक्निक अपनी औकात के बाहर चली जाएगी और तब ये टेक्निक कहलाएगी टियान क्लास की टेक्निक। ये सुनकर जियान का एकदम से मुंह फटा का फटा रह जाता है क्योंकि उसके हाथ में एक टियान क्लास की दाव टेक्निक है और वो उसकी लाइफ की सेकंड सबसे पावरफुल टेक्निक है, क्योंकि इससे पहले उसके पास सिर्फ एक ही ऐसी टेक्निक थी जो इससे ज्यादा पावरफुल थी, वो थी यूनर की द्वारा दी गई गॉड सील जो कि उसके क्लैन की सीक्रेट टेक्निक है, इस वजह से उसे तो किसी चीज से कंपेयर नहीं कर सकती है। मगर ये टेक्निक भी मेरी औकात के अभी की बाहर की चीज है, इस वजह से अगर मैं इस टेक्निक की प्रैक्टिस करता हूँ तो मेरी जो फ्लेम के ऊपर कंट्रोल है वो भी काफी ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। हाँ, मगर मैं ये बात भी जानता हूँ कि अभी के लिए मेरे लिए टियान क्लास की टेक्निक नहीं है क्योंकि अभी के लिए मेरे पास सिर्फ तीन हेवनली फ्लेम है, और ये चौथी हेवनली फ्लेम का अभी कोई अता पता नहीं है, वो मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी उसका कोई आइडिया नहीं है। और ये टियान हुआ जोंजे अभी के लिए जियान को घूर घूर के देख रहे होती है क्योंकि वो जियान की आंसर का वेट कर रहे थे। तभी जियान एकदम से जेंटलमैन बनते हुए बोलता है मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, मगर उसमें मैं एक और शर्त को ऐड करना चाहता हूँ। तो ये सुनतिगन टियान जोंजे बोलते कि बोलो क्या तुम्हारी शर्त है। तो ये सुनतिगन जियान बोलते कि ये लोग वीडियो को लाइक ही नहीं करते ना ही कमेंट करते हैं, अगर ये वीडियो के ऊपर 10 की लाइक और 1 की कमेंट कर देते हैं तो मैं आपको कंपेयर करूंगा वन एंड ओनली मास्टर योलो। और जियान कौन सी कंडीशन को ऐड करना चाहता है वो आप सभी लोगों को पता चलेगा क्यूट लव पेलियंट पर, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो उस पर आएगा। और आप लोग जियान की माँ के बारे में जानना चाहते हो तो लेफ्ट साइड वाली वीडियो देख सकते हो। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।